मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर टीचर मिस ताहिरा वकार एंड वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रीडिंग ऑफ योर न्यू पोएम श्री ब्लेसिंग ऑन पेज नंबर 72। दिस पोएम इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। स्टार्टिंग विद द पोएम, ग्रैंड मदर ऑफन सेड, ब्लेस्ड इज द हाउस अपॉन हूज वॉल्स द शेड ऑफ एन ओल्ड ट्री सॉफ्टली फॉल्स। We had no tree near our cottage, so I planted one last spring. It's 6 months old now and growing fast. In 6 years' time, there will be a blessing. This poem is very easy to understand for you all, and I will give you a very short summary in Urdu so that you all can easily understand. इस पोएम में ऑथर एक बहुत सिंपल बात बताते हैं कि वो घर बहुत खुशनसीब है जिसके ऊपर किसी दरख्त का साया आए। इस पोएम में वो ये कहते हैं कि मेरी दादी के घर के पास कोई दरख्त नहीं था, तो मैंने ख़ुद एक दरख्त का छोटा पौधा लास्ट स्प्रिंग वहाँ पर लगाया। एज़ यू ऑल नो, स्प्रिंग इज़ अ सीज़न। अगेन वो आगे कहते हैं, इट्स 6 months ओल्ड नाउ, कि उस दरख्त को लगाए हुए अब 6 महीने हो चुके हैं और वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आने वाले 6 सालों में मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि वो इतना बड़ा हो जाएगा दैट देयर विल बी अ ब्लेसिंग, मीन्स कि वो मेरे ग्रैंड मदर के घर को एक शेड देगा और हमारे घर को भी ब्लेसिंग में काउंट किया जाएगा।